हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडीज कुकिंग व्लॉग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार और सबकी मोस्ट फेवरेट, बच्चे हों या बड़े, जी हाँ, गर्मा गर्म गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और मैं ये मिल्क पाउडर से बनाऊँगी। आप घर में बनाएं, आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ऑन में प्रेस करेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप मिल्क पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं 2 टेबलस्पून मैदे का यूज़ करूँगी, फ्लावर का यूज़ करूँगी। अच्छा, मैं जो दानेदार जो गुलाब जामुन है वो पसंद है, इसलिए मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। अगर आपको दानेदार गुलाब जामुन नहीं बनाना तो आप सूजी स्किप कर सकते हैं। साथ में मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, बस सिर्फ और सिर्फ 1/2 टीस्पून आपको यूज़ करना है। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें हमने घी ऐड किया है 1 टेबलस्पून। ये मेल्टेड नहीं है, नॉर्मल घी है। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें अब मैं इसे मिल्क के साथ जो है अच्छी तरह से गूंदूँगी। 4 कप से लेकर 1/2 कप तक इसमें जो मिल्क है वो यूज़ हो जाता है। हमें इसकी बहुत ही सॉफ्ट डो बनानी है। याद रहे कि आपकी डो किसी तरह से भी हार्ड ना हो, सॉफ्ट सी डो हो। अगर आप सूजी यूज़ नहीं करेंगे तो आपके 1/4 कप ही मिल्क में काम हो जाएगा। अब हम शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप चीनी ली है और 1 कप चीनी के साथ मैं इसमें 1 ही कप पानी का यूज़ करूँगी। साथ में मैंने 3 से 4 हरी इलायची को लेकर इसको सिर्फ बीच में से तोड़ के इसमें ऐड कर दिया है। इसे मैं मिक्स करूँगी और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे बॉयल करूँगी। जब तक इसमें बॉयल आ जाएगा, इसमें हम केवड़ा बैटर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून खुशबू के लिए, और साथ ही में कलर पीस जलता रंग बस ऐड करेंगे 1 पिंच। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर एक बात, हमें इसे मिक्स करना है और इसे इतना पकाना है कि इसमें बॉयल आ जाए। अब जब बॉयल आ जाए तो हम इसे एक तार का शीर हमें रेडी करना है। अगर आपको एक तार के शीरा रेडी करने में मुश्किल आती है तो आप शीरे को बॉयल आने के बाद मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पका लें। आपका एक तार का शीरा रेडी हो जाएगा। अब हम शीरे को एक तरफ रखेंगे और जब अब हम अपने जो गुलाब जामुन के बॉल्स बनाएंगे, मैंने सबसे पहले अपने हाथ को जो है वो ऑयल से या आप घी से ग्रीस कर लें इसको अच्छी तरह से। और इसके बाद आपको जिस साइज़ के गुलाब जामुन दरकार हैं आप उसके हिसाब से मिक्सचर लें और इस साइज़ के आप बॉल बनाएं। आप याद रहे कि आपके जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। आप अपने हाथों को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करके से बनाएं ताकि बहुत अच्छी तरह से आपके बॉल जो हैं स्मूथ बने। मैंने इसमें सूजी ऐड की थी। अगर आपको दानेदार गुलाब जामुन नहीं पसंद है तो आप इसमें से सूजी स्किप कर सकते हैं। अगर आप सूजी स्किप करेंगे तो 1/4 कप मिल्क इनफ है मिक्सचर के लिए, लेकिन अगर आप सूजी ऐड कर रहे हैं तो आपको 1/2 कप दूध यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स रेडी हैं। तकरीबन 1 कप मैदे में 14 बॉल्स बन गए हैं। अब मैंने घी लिया है 1 कढ़ाई में। मैं गुलाब जामुन को घी में फ्राई करूंगी। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें सारे गुलाब जामुन को ऐड कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पे कुक करूंगी। अच्छा, मुझसे गलती हुई थी कि मैंने ज़्यादा गुलाब जामुन ऐड कर दिया था। आप ऐसा ना करें, आप 4 से 5 ही गुलाब जामुन एक वक्त में ऐड करें और इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। 3 से 4 मिनट तक आपको इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अगर आपको हिलाना है तो कढ़ाई को आप हिलाएं और उसके बाद आप इस पर स्पून की मदद से इसे टर्न करें। बस हमें इसे बहुत आराम से आहिस्ते से चम्मच चलाकर फ्राई करना है। उस वक्त तक हमें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, तब तक कि इसका ब्राउन कलर अच्छा सा ना जाए, गोल्डन ब्राउन कलर। मैं ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी, सिर्फ गोल्डन कलर करूँगी, क्योंकि हमारे जो शीरा है उसमें रंग ऐड है। अब हमारी जो शीरा है वो गर्म है, खोलता हुआ नहीं है, गर्म है। मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ था। इसके बाद मैं इसमें गुलाब जामुन ऐड करूँगी। इसको पैन ही में इसको मैं हिलाऊँगी और ताकि इसका गुलाब जामुन जो है बहुत अच्छी तरह से शीरे को अब्सॉर्ब कर ले। उसके बाद इसको कवर करके 20 से 30 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ किया हुआ है। आप 20 से 30 मिनट के बाद देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे रेडी हुए हैं। मेरा पैन थोड़ा सा छोटा था, इस वजह से गुलाब जामुन इस तरह से लग रहे हैं। मैं आपको निकाल के चेक करवाती हूँ। गर्मा गर्म गुलाब जामुन आप बनाएं, आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।